नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस एंड फार्मिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसी की खेती। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी खेती किसान भाई क्यों करते हैं और इतनी सारी कंपनियाँ इसे इतने बड़े पैमाने पर किसान भाइयों से क्यों खरीदती है। ऐसा क्या है तुलसी की खेती में कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में तुलसी की खेती हो रही है? तो ये एक औषधि पौधा है जो कि सांस की तकलीफ, अगर आपको कान में कोई परेशानी है तो उसमें काम आता है, अगर आँख में कोई परेशानी है तो आँख में काम आता है। इससे आप तनाव दूर कर सकते हैं। उल्टी और दस्त में तुलसी काम आती है, अगर आपके सर में दर्द है तो उसमें तुलसी काम आती है, त्वचा में ये काम आती है। खांसी अगर आपको है तो तुलसी काम आती है, अगर आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज तो तुलसी काम आती है, यहाँ तक कि कैंसर तक में भी काम आती है। अगर आपको पुराने से पुराना बुखार है, जैसा मर्जी बुखार है, उसमें भी तुलसी काम आती है। अगर आपको सर्दी या जुकाम है उसमें तुलसी काम आती है। तो इतनी सारी चीज़ों में तुलसी काम आती है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े पैमाने पर किसानों से तुलसी खरीद रही है और इतने सारे प्रोडक्ट्स बना बना के मार्केट में बेच रही है। देखिए, बड़ी कंपनियों में ये डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, हिमालय, हमदर्द, इमामी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बड़े पैमाने पर किसानों से तुलसी खरीद रही है और प्रोडक्ट बना बना करके मार्केट में बेच रही है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ तुलसी की खेती आपको किस तरीके से करनी है। तो किसान भाई 1 एकड़ में तुलसी के 30,000 पौधे लगा सकते हैं और 1 साल में इसकी 4 बार कटाई कर सकते हैं, यानी कि एक बार पौधा आपने लगाया और 4 बार कटाई आप इसकी कर सकते हैं 1 साल तक। 1 साल कंप्लीट होने के बाद में ही आप नए पौधे लगा सकते हैं। पानी की अगर बात करें तो हम 20 से 25 दिन में आपको पानी देना होता है, तो 20 से 25 दिन में आपको पानी लगाना होता है। और इसकी खेती की जो शुरुआत होती है वो जुलाई के महीने के पहले हफ्ते में हो जाती है। अगर इसके फायदे की बात करें तो 1 साल में 1 एकड़ से आप 1 लाख रुपए बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। अगर इसकी लागत की बात करें तो मात्र 20,000 रुपये 1 साल की इसकी लागत आती है। तो ये तो रहा इसके लागत और इसके फायदे। अब इन सब के बाद में आपको किसके पास जाना है, कहाँ जा करके पता करना है कि इसकी खेती कैसे करनी है, कितना खर्चा होगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके जिले में कोई ऐसा किसान है जो कि तुलसी की खेती कर रहा है और आप उसे जानते हैं तो सबसे अच्छा कि आप उसके पास जाएं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप अपने जिले के कृषि विभाग में भी जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। तीसरा, आप जिस फोन में आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसी फोन में आप गूगल में जाकर के भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। वहाँ कई सारे ऐसी कंपनीज हैं, कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि तुलसी की खेती करवाते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल में जाकर के आपको किस तरीके से उन लोगों को ढूंढना है, उनके पास कैसे पहुंचना है, कैसे बात करनी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए, हम गूगल के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है इंडिया मार्ट, ओके कर देना है। सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। ये देखिए इंडिया मार्ट, ये सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आ चुकी है, आपको उसको क्लिक करना है। ये इंडिया मार्ट का पेज खुल चुका है। सबसे ऊपर सर्च बार में आपको टाइप करना है तुलसी फार्मिंग, तुलसी फार्मिंग, ओके कर देना है। ये देखिए, तुलसी फार्मिंग से रिलेटेड सारी कंपनियां आपके सामने आ चुकी हैं। सबसे ऊपर जो कंपनी है, देखो ये दिल्ली की कंपनी है, इसके नीचे पटियाला की कंपनी है, इसके नीचे लखनऊ की कंपनी है, फिर एक पटियाला की कंपनी है, उसके नीचे होशियारपुर की कंपनी है, होशियारपुर, होशियारपुर, गाजियाबाद। आप
में से किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप सबसे ही बात करो, सारी कंपनी से बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस कंपनी के क्या रेट हैं, कौन सी कंपनी क्या फैसिलिटी आपको देगी, कौन सी कंपनी बाय बैक एग्रीमेंट करेगी। ये एक बटन दे रखा है कॉल नाउ, आपको उसके ऊपर दबाना है। जैसे आप इसे दबाओगे आपसे आपका नंबर मांगा जाएगा और आपको अपना नंबर देना है। जैसे आप अपना नंबर देके सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद कंपनी का नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने होगा और आप कंपनी वालों से बात कर सकते हैं। तो ये था आज का तुलसी की फार्मिंग का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा और आपको लगा हो कि थोड़ी सी भी जानकारी आपको इससे मिल रही है, थोड़ा सा भी फ़ायदा आपको इससे हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन नीचे दे रखा है, आपको बस उसको दबाना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी जैसा दिखने वाला बटन आपको दिखाई देगा, आपको उसे भी दबाना है, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।